पश्चिम बंगाल में सौभाग्य योजना लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस योजना से शिक्षा को बढ़ावा मिलने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं, जिससे शहरों और गांवों में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को ही सौभाग्य योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को 2017 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य इस वर्ष दिसंबर तक देश के 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण और शहरी परिवारों तक बिजली पहुंचाना है। इस योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ शुरू की गई ये योजना समाज के वंचित तबकों को काफी फायदा पहुंचा रही है। कुर्सियांग से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। सौभाग्य योजना अब पश्चिम बंगाल के पहाड़ी शहर कर्शियांग के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की आशा लेकर आई है। करबिया इलाके के लाभार्थी दीपेन प्रधान का मानना है कि इस योजना ने उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है। दीपेन पास के एक चाय बागान में दैनिक मजदूर हैं और उसका छोटा सा परिवार है। दीपेन ने कहा कि इस योजना के तहत उसके छोटे से घर में अब बिजली की सुविधा मिली है। पहले मेरा जीवन बहुत मुश्किल था, लेकिन अब चीजें आसान हो गई हैं। मेरे बच्चे समय पर पढ़ाई करने स्कूल जा सकते हैं। कुछ महीने पहले तक मैं लकड़ी के चूल्हे पर चावल पकाया करता था, लेकिन अब बिजली के राइस कुकर की मदद से खाना पकाना आसान हो गया है। सौभाग्य योजना सभी इच्छुक परिवारों को न केवल बिजली की सुविधा उपलब्ध करा रही है, बल्कि ये मिट्टी के तेल का विकल्प भी सुनिश्चित करती है। इस योजना से शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया है तथा जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। ये योजना रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे लोगों, विशेषकर महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आया है। कर्शियांग से अजीत सिंह की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मैं मुकेश कुमार।